हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा 9th के रिजल्ट की घोषणा कर दी गई है। जैसे कि आप देख भी रहे होंगे, ये आपकी ऑफिशियल साइट है और इस पे लिंक एक्टिवेट हो भी चुका है। लेकिन अगर हम 11th क्लास के रिजल्ट की बात करें तो 11th क्लास के रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, क्योंकि अगर आ गया होता तो यहाँ पर लिंक आपका एक्टिवेट हो जाता। लेकिन मीडिया सोर्सेस के थ्रू ऐसा पता चल रहा है कि जो आपका झारखंड एकेडमिक काउंसिल 11th का रिजल्ट है, वो किसी भी वक्त पोर्टल पे अपडेट किया जा सकता है। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कैसे आप अपना रिजल्ट जो है वो अपने कंप्यूटर, लैपटॉप या अपने मोबाइल फोन की सहायता से आराम से इजिली कैसे देख सकते हैं। सारे स्टेप मैं आपको वन बाय वन डिटेल में बताऊंगी। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसे ही रिजल्ट आपका आता है, मैं आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता दूंगी कि आपका जो रिजल्ट है वो पोर्टल पे अपडेट हो जाएगा, जिससे आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैसे आपको अपना रिजल्ट चेक करना है। तो गाइस, सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउजर या गूगल ओपन कर लेना है। उसके बाद यहाँ सर्च करना है झारखंड रिजल्ट, यानी jacresults.com। ये आपको सर्च करना है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। आपको सर्च करना है jacresults.com, इस पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये ऐसे कई सारे लिंक ओपन होके आ जाएंगे। तो यहाँ आपको जो फर्स्ट लिंक है, इस पे आपको क्लिक करना है। ये आपकी ऑफिशियल साइट का लिंक है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा, उसके ऊपर ही आपका लिंक एक्टिव हो जाएगा, यानी 11th क्लास के रिजल्ट का जो लिंक है वो एक्टिव हो जाएगा। देखिए, 9th क्लास का 26 तारीख को रिलीज हो गया था रिजल्ट, तो उनका लिंक भी एक्टिवेट हो चुका है। रिजल्ट्स ऑफ क्लास 9th एग्जामिनेशन 2022। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक न्यू इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये देखिए, ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यही सेम चीजें आपके 11th क्लास के रिजल्ट में भी होंगी। इससे ऊपर एक लिंक जनरेट कर दिया जाएगा, सेम बस यहाँ 11th डाल दिया जाएगा। और जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ दो चीजें आपको क्लियरली मेंशन करनी है। पहला है रोल नंबर कोड, दूसरा है रोल नंबर। यहाँ आपको क्या करना है, रोल कोड यानी आपके जो एडमिट कार्ड आपको मिला होगा उसमें रोल कोड आपका मेंशन किया होगा, वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद रोल नंबर सबमिट करना है। उसको सबमिट करने के बाद, मतलब फिल करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने यानी आपकी स्क्रीन पर ही आपका जो रिजल्ट कार्ड है वो आ जाएगा। आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट करना चाहे प्रिंट आउट कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में आप डाउनलोड करना चाहे तो पीडीएफ फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे आप अपना जो रिजल्ट है वो आराम से इजिली देख सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। डायरेक्ट लिंक जो है वेबसाइट का, यानी जो ऑफिशियल साइट है झारखंड एकेडमिक काउंसिल की, उसका जो डायरेक्ट लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीजें ओपन हो जाएंगी, या आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस ओपन हो जाएगा ऐसा कुछ। और उसके बाद पहले वाले लिंक पर आपको क्लिक करके आप सीधे इस पेज पर पहुंच जाएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है गाइस। इसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी कि आपके जितने भी डाउट्स हैं सब कुछ क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लें। Thank you.